नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। प्रदेश में लगातार अनियमित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं व सरकार से लगातार बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त है छत्तीसगढ़ प्रगतिशील महासंघ के कुछ लोग हैं, कर्मचारी हैं। सर, आप लोगों की मांगे क्या हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर लगातार आंदोलन किए गए। माननीय भूपेश बघेल जी, टीएस सिद्धू जी ने हमारे आंदोलन के मंच में आकर के इस बात की घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो आप सबको नियमित कर देंगे। यहाँ नियमितीकरण तो दूर, सरकार को इस तरीके से कुछ अधिकारी लोग बदनाम कर रहे हैं कि सरकार के आदेश होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा 3 दिन के अंदर ये जानकारी दें कि किन किन विभागों में कितने पद रिक्त है, कितने जॉब दर, कंटिजेंसी प्लेसमेंट, विदा कलेक्टर दर या अनियमित जितने भी कर्मचारी हैं इनकी जानकारी भेजी जाए। वो जानकारी नहीं भेज रहे हैं 3 दिन में, और जो कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हुई उनको वापस नहीं लिया जा रहा है, जिनका समय समाप्त हो गया, जैसे 31 जुलाई को जिसका समय समाप्त हुआ, अरे कम से कम उनका समय तो बढ़ा दिया जाए, उसको भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। और इसका परिणाम है हजारों कर्मचारी छत्तीसगढ़ में बेरोजगार हो गए। आज देखिए, मध्य प्रदेश में जितने संविदा कर्मचारियों को निकाला गया था बकायदा उनको वापस लिया गया, और वापस लेने के दौरान जितने पीरियड में वो सर्विस में नहीं थे उसका 90% वेतन भी देंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि आज भी मंत्रालय में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो पूर्ववर्ती इस्तीफा देकर के चुनाव लड़े थे, क्या वो चुनाव लड़ने की मंशा से सरकार को बदनाम कर रहे हैं? हमारी एक ही मांग है, छत्तीसगढ़ में एक राजा, एक सरकार, एक मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का आदेश का पालन होना चाहिए और पूरे प्रदेश में तत्काल नियमितीकरण की कार्रवाई किया जाना चाहिए। सीधी भर्ती तत्काल बंद हो और जितने भी पद रिक्त हैं विभागों में सबको उस रिक्त पद के विरुद्ध में नियमितीकरण किया जाए, और इस बीच में कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी संविदा नियुक्ति न दिया जाए। जो कृपा पात्र हैं, दलाल हैं, चम्मच हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इनको क्यों संविदा नियुक्ति दिया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के बेरोजगार, हम नरवा गरवा घुरवा बारी की बात करें, छत्तीसगढ़ में हरेली का त्यौहार मना और गिफ्ट मिला, पुरस्कार मिला मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को। मैं मार्मिक अपील करता हूँ कि छत्तीसगढ़ के नवयुवकों को भी हरेली का पुरस्कार मिलना चाहिए, नियमितीकरण होना चाहिए, जिनको नौकरी से निकाला गया उनको नौकरी में वापस लेना चाहिए। और ये जो संविदा नियुक्ति में 12% बढ़ाए ना, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, इससे क्या हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। आप लोगों ने पहले भी प्रदर्शन किया था अभी अपनी मांगों को लेकर, उसको लेकर सरकार ने क्या रुख किया, आप लोगों की कोई बातचीत हुई उनसे? देखिए भाई, सरकार ने तो बहुत अच्छा रुख अपनाया है, कार्रवाई कर रहे हैं, नियमितीकरण की इच्छा शक्ति है। कुछ लोग सरकार के निर्णय का भी राजनीतिक विरोध कर रहे हैं कि वो चुनाव के लिए कर रहे हैं ऐसा कर, अरे भाई उन्होंने घोषणा किया था, वादा किया था, उसका पालन कर रहे हैं। जो लोग नहीं किए उनके अटरिया पर लोटन कबूतर क्यों हो रहा है हमको समझ में नहीं आता। हम तो मंत्रालय स्तर भी, हमारे मंत्रालय में हजारों संविदा नियमित कर्मचारी हैं, उनके नियमितीकरण की बात होनी चाहिए, तो मंत्रालय के कुछ अधिकारी जानबूझ करके गड़बड़ी कर रहे हैं, इन पर नकेल लगना चाहिए और मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन होना चाहिए। सीधी आप लोग आगे क्या सोच रहे हैं? आगे हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, हमने उनसे समय लिया है, अब मिलने पर बहुत सारी जो अंदरूनी बात है वो सबको मुख्यमंत्री जी को बताएंगे कि कहीं ना कहीं आपको चुनाव के पहले बदनाम किया जा रहा है, कुछ अधिकारी लोग आपके आदेश का पालन नहीं करते हैं। विजय कुमार झा, संरक्षक, छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ। तो ये मांगे हैं सरकार से कि अनियमित कर्मचारी लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हरेली के त्यौहार के समय अनियमित कर्मचारियों को तोहफा दिया गया है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में धूमधाम से हरेली मनाई गई, तो यहाँ के भी कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें भी सरकार इसी तरह का तोहफा दे। खबरची न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण।